Good morning, students. Now we are going to start your exercise 19.3. I hope you have completed all the exercise in your notebook. And you are most welcome to for correction of your copy in that school. Question number first. E equal 1, 2, 3, 4, 5 and B equal 1, 3, 5, 7, 9 and C equal 2, 4, 8, 8. फाइंड करना आपको ए यूनियन बी फर्स्ट क्या है ए इसको पढ़ते यूनियन बी तो ए यूनियन बी आपको फाइंड करता है तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए आप ए के सभी एलिमेंट्स यहां पर रख देते हैं तो ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है उसका यहाँ पर यूनियन का साइन देंगे यहाँ पर बी के एलिमेंट्स राइट करेंगे 1, 3, 5, 7, 9 ठीक है उसके बाद जो है आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा ऐड करने का मतलब क्या है देखिएगा यूनियन में छोटा एक संघ मतलब इन दोनों नंबरों को मिलाकर एक ग्रुप बना देना है तो कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं होता रिपीट नहीं होना चाहिए जैसे 1, 1 इसमें भी है तो एक ही वन आएगा ठीक है कोई नंबर छोटा नहीं चाहिए 2, 3 देखिए दोनों में है तो 3 1 टाइम आएगा 4, 5, 7 और 9 एक आ जाएगा आपका यूनियन ए यूनियन बी ठीक है इसी तरह से सेकेंड वाले को देखिए देना है बी यूनियन सी बी नंबर है बी यूनियन सी तो बी के एलिमेंट्स आप राइट करेंगे यहां पर 1, 3, 5, 7 और 9 यहां पर यूनियन का साइन देंगे सी के एलिमेंट्स राइट करेंगे 2, 4, 8 एंड 10 अब दोनों को एक बनाना है यूनियन तो एक यूनियन बनाएंगे तो नो नंबर ऐसे मिले तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है 6 को छोड़ देंगे 7 है 8 है 9 एंड 10 तो ए होगा आपका बी यूनियन सी नेक्स्ट में देखेंगे ए यूनियन सी ए यूनियन सी ए के एलिमेंट्स राइट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर यूनियन का साइन देकर के यहाँ पर सी के एलिमेंट स्टार्ट करेंगे 2, 4, 8 अब दोनों को एक साथ मिला देंगे तो हो जाएगा ए यूनियन सी तो इसमें कौन कौन से नंबर है देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 के बाद क्या है 8 और 10 यहाँ पर होगा 8 एंड 10 देखिए कोई नंबर यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए ठीक है तो इस तरह से हम यूनियन फाइंड करते हैं अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि a is equal to 4, 5, 6 a is given 4, 5 and 6
एंड द एलिमेंट ऑफ बी इक्वल फाइव ए एंड एलेवन, सी इक्वल फाइव ए एंड ट्वेल्व. इसमें फाइंड करना आपको ए ए इंटरसेक्शन, इसको उल्टा ए बनेगा ना, इसको क्या पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है. ठीक है, तो ए के सभी एलिमेंट्स फाइंड करेंगे. ए के एलिमेंट्स हो गए फोर फाइव एंड सिक्स, ए हो गया आपका इंटरसेक्शन. बी के एलिमेंट्स का है फाइव एट एंड एलेवन. ए और बी की वैल्यू आपने रख ली है. अब इंटरसेक्शन किसको कहते हैं, तो द नंबर्स हूज कॉमन इज बिटवीन द ए एंड बी, ए और बी दोनों के बीच में जो है जो नंबर कॉमन होते हैं वह इंटरसेक्शन कहलाते हैं. तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है कि फोर है, इस पर फोर नहीं है, फाइव दोनों में है, सिक्स दोनों में नहीं है, एट भी दोनों में नहीं है, एलेवन भी नहीं है. तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा फाइव, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा फाइव. बी का देखेंगे सिम, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी के एलिमेंट्स स्लाइड करेंगे. तो बी के एलिमेंट्स हैं फाइव एट एंड एलेवन, इंटरसेक्शन सी है फाइव एट एंड ट्वेल्व. तो इंटरसेक्शन क्या होगा दोनों का, दोनों में कॉमन क्या है फाइव कॉमन है, एट कॉमन है, एलेवन नहीं है, ट्वेल्व नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा फाइव एंड एट, इसकी इंटरसेक्शन हो गया. ठीक है, सी नंबर है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं आपको फोर फाइव सिक्स, हियर इज फोर फाइव एंड सिक्स, इंटरसेक्शन साइन देंगे. सी के एलिमेंट्स हो गए फाइव एट एंड ट्वेल्व, तो दोनों में जो कॉमन होता है उसको क्या कहते हैं इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन में देखिए दोनों में कॉमन क्या है, फोर नहीं है दोनों में, फाइव दोनों में है, सिक्स नहीं है, एट नहीं है, ट्वेल्व नहीं है, तो इसका कॉमन हो जाएगा इसका फाइव. तो फाइव इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी. अंडरस्टैंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, आप इसको क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे. नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो, ऐसे होगा ये नेचुरल नंबर हो गए. बी का देखिए दिया है, बी में क्या कह रहा है, x such that x is an even natural number, is an even natural number. इसके natural number फाइंड करेंगे. Even number होने the number which is completely divisible by two is called where even natural number. तो two four six eight ten twelve फोर्टीन एट एक्स्ट्रा डैश टू डैश. ठीक, सी दे रहा है एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर. ऑड नंबर किसको कहते हैं, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू, जो टू
दूसरी नहीं डिजिबल होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एटेक्स्ट्रा, ये हो गए आपकी ऑड नंबर। उसके बाद हैप्पी नंबर एक्स सच दैट एक्स, इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, हम राइट करना है प्राइम नंबर विच इज विच हैज वाली टू फैक्टर्स है ना, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट आएगा 2, देन 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, ये आपके नंबरों के टेस्ट है ना, प्राइम नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से आपको आंसर देना है ना, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी ना, तो ए यूनियन बी क्या होगा हम फाइंड करेंगे, ए ए यूनियन बी, ए और बी के सभी एलिमेंट्स आपको राइट करने होंगे, तो इसमें यूनियन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी नंबर आ रहे हैं ना, ये भी नेचुरल है, तो ए यूनियन बी में आपका 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, देख रहे हैं सभी नंबर्स आ रहा है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं डायरेक्टली इसको करते रहे हैं, तो ये होगा 1, 2 क्या है फर्स्ट ए यूनियन सॉरी थर्ड ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, 2 है, 4 है, 6 है ना, 8 है, तो आप यहां पर लिख सकते हो ना 2, 4, 6, 8 नंबर को हमें बोलते हैं, इसलिए यहां पर क्या करेंगे इसे डैश टू डैश करते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। बी वाले में भी लिखना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में भी आप सभी यहां पर नंबर्स लाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नहीं है तो 9 छोड़ दीजिए, 9 इसमें है 9, 10 तो आप ऐसे लिखोगे यूनियन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी मोर है तो डैश डैश कर दीजिए, ये आपका हो गया ए यूनियन बी। सी में है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में जो कॉमन है उसको राइट करेंगे, तो ए और सी में क्या कॉमन है 1, 3, 5 देख रहे हैं 5, उसके बाद 7 होता है, इसको लिखते जाएंगे 1, 3, 5, 7 नेक्स्ट नंबर 8 नहीं है 9 है दोनों में 9 11 भी मिलेगा इस नंबर बढ़ाएंगे तो 10, 11 मिलेगा तो ऐसे 9, 11 ऐसे लिखेंगे 100 ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन बी, बी में है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और डी में लिखेंगे क्या कॉमन है, तो ए और डी में है 2, 3, 5, 7, 11 तो इसको लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन, ठीक है, ऐसे आप इसके मेन क्वेश्चन स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, फोर में है पूछा, विच ऑफ द स्टेट्स आर डिसजॉइंट,
तो यू नो दैट इस ट्राइंगल सेट किसको कहते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी दिस ट्राइंगल सेट इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, अगर इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कोड में ए ई आई ओ यू है ना, ऐसे लिखा है ना ए ई आई ओ यू, एक सिटी है एंड C D E F, इसमें से कोई भी नंबर जो है इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो A और B इसको हम कहते हैं इस जॉइंट सेट, यानी टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इस जॉइंट सेट इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन नंबर। तो इन दोनों में देखिए E कॉमन है ना, E कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये इस जॉइंट सेट नहीं है, तो आपको यहां पर राइट करना है नो, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे, बी वाले नंबर में 2 6 दिया है, बी 2 6 10 14 एंड 8 एंड 3 7 11 बी 7, 11 and 15। इन दोनों में देखिए कोई नंबर नहीं कॉमन, 2 उसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, तो कोई भी देखा कि यहाँ पर 2 6 दिए गए हैं, इसमें से कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो these type of set is called the disjoint set। यहाँ पर राइट करेंगे यस, ठीक है। सर कोई नंबर कॉमन नहीं होगा तो उसको क्या लिखेंगे, डिस्जॉइंट सेट है, यस राइट करेंगे। अगर कोई कॉमन मिल गया, जैसे इसमें मिल गया है आपको ना, इसमें ई कॉमन मिल गया, इसका मतलब ये डिस्जॉइंट सेट नहीं है, तो आपको आंसर देना है नो, ठीक है। थर्ड सी यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इज एन इवन नेचुरल नंबर, पर दे रहे हैं यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर। तो आप इसमें बताइए इवन में क्या आता है, इवन होते हैं जो टू से कट जाते हैं, तो 2 4 6 8 ऐसे नंबर आएगा ना, और इसमें इवन नंबर अपर लाल मिलियंस में भी हो सकते हैं, तो हम थोड़ा सा बस चेक करेंगे और नंबर किसको कहते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी जैसे 3 है, 5 है, 7 है ना, 9 है, 11 है, 13 है। तो इसमें देख रहे हो अभी तक हमने जो भी नंबर देखा उसके दोनों में से कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं मिल रहा है, तो कॉमन नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड द डिस्जॉइंट सेट, यस अंडरस्टैंड। तो आपको ऐसे यस और नो लिखना है, फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन जो है आई हैव गिवन हियर सम नंबर्स, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इन दिस वीक यू हैव टू डू द सम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एंड रिवाइज ऑल द exercise from unit 11 to 19 and 20 for annual examination. Your examination will begin soon, so students please you have to complete your notebook and for correction you will come to this school. Thank you, Stan. Thank you very much.